करें स्टार्ट। जो आपको हम बताना चाह रहे हैं वो हमारा जो एक सलीम मोहम्मद जी हैं जो इंदौरा से हैं, उनका जो एक कल आपको खबर मिली होगी कि उनके एक जो टेस्ट था उसमें वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और क्योंकि हमारे पास इसकी सारी जो जानकारी है वो एसपी मैडम आपको बताएंगे अभी, वो 17 से लेके 20 मार्च तक यहाँ चंबा और चंबा में पल्यूर और इसके आसपास की पंचायतों में उनका निवास रहा। और जो आप उनका तबलीगी जमात से रिलेटेड जो कार्य था उसके लिए वो आए थे। इसके तहत जो है अब क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पाया गया है कि वो काफ़ी लोगों के साथ मिले हैं और पूरे एरिया में मिले हैं, और 27 की लिस्ट जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की हमारे पास है, इसलिए आज हमें बड़ा सोच समझ के जो है वो ये निर्णय पे आना पड़ा कि हमें उस सारे एरिया को जिसमें हमारी बरौर, जडेरा, कैला, पल्यूर, पलुई, परौथा, रजिंडू, साहो, पद्धर, सीलाघराट, कीड़ी, सराहन, गुआड़ और अठलुई पंचायतें जो हैं, ये सब पंचायतें जो हैं इसमें जो आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है और कड़ी जो है करनी पड़ेगी, जिसमें किसी भी तरह की मूवमेंट जो है आगामी 3 दिनों तक, जब तक कि सारी, अभी तक हमने टिल फर्दर ऑर्डर्स किया है पर फिलहाल जो है हम 3 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, और अगर सारी चीज़ें लोग कोऑपरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है हम सारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वहाँ एक और एक्टिव केस फाइंडिंग की और एक रिन्यूड जोर शोर से करके जब ये सर्टेन कर लेंगे कि सारे लोग वहाँ पे किसी की हेल्थ रिस्क नहीं है, उसके बाद जो है हम इस एरिया को अब खोलेंगे। और उसके लिए जो है सभी लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है कि 2 या 3 दिन तक जो है फ़िलहाल अपना जो वहाँ पे सारा कोऑपरेशन दें, कोई भी चीज़ छुपाएं ना। और ऐसा नहीं है, सभी वहाँ के जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं, वहाँ के सभी लोग हैं, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किन किन के साथ एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है इन व्यक्ति विशेष का रहा है। और अब क्योंकि एक और बात यह है कि अब कल की डेडलाइन वैसे पूरी हो गई है, कल माननीय सीएम साहब ने भी ये कहा था और डीजीपी साहब ने खास तौर पे किया था कि जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर एक इवेंट से जो दिल्ली में हुई है, जिससे सारे देश में जो कोरोना वायरस का संक्रमण थोड़ा फैला है, उसमें जो जो आए हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन ना छुपाए, अगर किसी ने छुपाई अब उसके खिलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। पर फिर भी हम आज के दिन का समय फिर भी अगर दे सकते हैं कि कोई आदमी किसी के अंदर संकोच हो या डरा हुआ हो तो बिल्कुल ना डरे। अब जो भी चीज़ हो रही है किसी को सज़ा देने के लिए नहीं हो रही है। अब कई तरह के सवाल हमें भी आ रहे हैं कि लोगों को ऐसा ना लगे ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की वो नहीं है, ये कार्रवाई नहीं है, ये बेसिकली इसलिए है कि आपको मेडिकली हम जो है बाकी लोगों को भी बचा सकें और अगर किसी के अंदर संक्रमण हुआ हम उसको भी बचा सकें, तो इसलिए ये हमारा आज का जो है सबसे मेन मुद्दा है। कल हमारे जो चार लोग जो निज़ामुद्दीन में गए थे उनके रिजल्ट्स आए हैं, चारों के चारों वो नेगेटिव हैं, इसलिए अभी तक चंबा में कोई भी ऐसा इंसान नहीं पाया गया है जो कोरोना पॉजिटिव हो। जैसा सर ने बताया, एक गंगत के रहने वाले हैं जो 2 दिन के लिए चंबा में प्ल्यूर मस्जिद में आए थे, वो अब वहाँ पर 3रे टेस्ट में टांडा मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव आए हैं। जैसे सर ने बताया, मेडिकल टीम्स आर देयर, हमने उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरा कर लिया है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट 27 लोग मिल गए हैं, आज सीएमओ साहब की टीम वहीं पर है और सब कुछ हो, उनका टेस्ट ले लेगी। वील हैव टू वेट टिल टुमारो कि वो टेस्ट रिजल्ट्स आए और आगे उसी पे पता चलेगा। जहाँ तक हमने जो वो रीजन है, क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हो और ये 27 लोग आगे और लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हो, इसलिए उस प्रिकॉशन के तौर पे उस पूरी जगह को सील कर दिया गया है। जैसे कि 12-13 पंचायतें जो हैं, जैसे सर ने एनुमरेट करा, सील करने का मतलब है कि कोई भी इंसान अंदर बाहर नहीं जाएगा। पुलिस का नाका लग चुका है, पुलिस की प्रेजेंस पूरी तरह रहेगी, मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी है जो घूमती रहेगी हर जगह। आज हमने ड्रोन के माध्यम से भी वहाँ पर
पूरा चेक करा है कि कहीं पर भी नीचे मूवमेंट ना हो, सारे लोग घर के अंदर हो। और खुशी की बात यह है कि सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। चम्बा में हमें किस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी वहाँ पर लोकल प्रधान हैं या मौलवीज हैं, सब ने अपील करी है लोगों से, और बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया में भी घूम रहे हैं कि लोग इस पर पूरी तरह से कोऑपरेट करें। तो प्रेजेंटली मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, देर इज़ नथिंग टू वरी। इन लोगों को जो इस साहू के रीजन में है, इनको कुछ भी खाने की, रहने का, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, टीम्स आर देयर। इनके घर पे सारी राशन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो डरने की कोई बात नहीं है। इसको छोड़ के भी अगर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया, आप एक बार ही एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, किसी ना किसी से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है और चंबा एक बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए आप सबको, अपनी सारी जो जनता है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक, बहुत सारा पैनिक क्रिएट कर सकती है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी समझें और किसी भी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी आप पहचान कर लीजिए ऑफिशियल्स के साथ। देखिए, ऐसी एक लिस्ट पहले भी जारी हुई थी जिसमें 15 लोगों के नाम थे और घूम रही थी। एक लिस्ट बना के घुमाना कोई भी कर सकता है, और उस लिस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसमें कुछ ऑफेंसिव हो। एक बात यह है कि अगर आपके फ़ोन में वो लिस्ट है, कृपया उसे डिलीट करिए, फॉरवर्ड करने की गलती मत करिए। मैं आपकी हिस्ट्री पहले, अच्छा ठीक है, जो गंगत वाले थे ये आए हैं 13-14 के अराउंड, ये निज़ामुद्दीन में थे। पठानकोट तक ये रेलवे ट्रेन से आए हैं, और पठानकोट से उन्होंने बस ली, बस से वो पहुँचे चंबा, चंबा से दूसरी बस ली, उस बस से वो पहुँचे प्लूर। प्लूर में वो 18-19 को रुके, 20 को दोपहर को वो वहाँ से एक प्राइवेट गाड़ी में वापस आ गए और पठानकोट चले गए। ये पूरा ट्रैवल है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट का, दो ढाई दिन का ट्रैवल। तो इस दो ढाई दिन में उनको जितने भी लोगों के साथ हो रहे हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स वही बनते हैं। वो अभी 27 लोग मिले हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्वारंटीन करने की अभी ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल गाइडलाइंस। जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है, जिनके साथ वो बैठे थे या जिनके साथ उन्होंने ज़्यादा टाइम बिताया था, उन सबको कॉन्टैक्ट में ले लिया है। जैसे जैसे मेडिकल गाइडलाइंस आगे बढ़ेगी या इनमें से कोई पॉजिटिव आएगा, वील अकॉर्डिंगली प्रोसीड। लिस्ट थी वो, उसमें 14 लोग ऐसे थे जो चंबा के थे। 15 लोगों की लिस्ट थी, 14 लोग चंबा के थे। ये लोग निज़ामुद्दीन में वो जो इवेंट था 13-15 का, वो उन्होंने अटेंड करा था, और ये लोग तब से दिल्ली में ही हैं। कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात की आई कि उस लिस्ट के साथ जो मैसेजेस अटैच थे, उसमें लोगों ने ये प्रज्यूम करा कि ये लोग वापस आ गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वहाँ पर क्वारंटीन में दिल्ली में ही है, वापस कोई नहीं आया है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी पॉजिटिव केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँगी, कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक करा उनके फ़ोन नंबर से, मैं आपको बता रही हूँ, वो एक भी रात, एक भी दिन, कभी भी मतलब जब भी चंबा में थे, ही स्टेड ओनली एट प्लूर और साहू, वहाँ पर आसपास। फॉल्स फेक न्यूज़ हो या सोशल मीडिया पे हो या प्रिंट मीडिया पे हो, उस पर 3 केस कर दिए। आज भी एक मैसेज वायरल हुआ है मैम नेक्रोड को लेके कि 3 लोगों में पॉजिटिव है, तो उस पे क्या मतलब है इसको? नहीं, वो आप मुझे मैसेज दिखाएंगे अकॉर्डिंगली। आजकल ऐसा है, सभी लोगों ने अपने घर में ही लैब खोल ली है, वहाँ फ्री टाइम है, घर में बैठ के खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव करते रहे। अब नहीं, जब तक आधिकारिक पुष्टि तो हमें तो पता नहीं, अगर ऐसा कुछ उनको अपनी उन्होंने लैब खोली है तो हमें बताएं। आप उनके नाम पते दीजिए, अब हम उनके इसके ऊपर देखो बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। इसमें तो बिल्कुल वो नहीं, ये जो फेक न्यूज वाला सिस्टम है। एक सुनने को मिला है कि किसी पुलिस वाले ने भी जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट किया है, आप मुझे बताइए अगर किया है। मेरे ध्यान में नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कहीं भी आपको आए तो स्क्रीनशॉट भेजा करें आप, वो तो ट्रेस करके उन पे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हिमाचल पुलिस जी, किहार थाने का मामला है। नहीं, वहाँ पे बोला शायद डीएसपी साहब इंक्वायरी भी करें। नहीं, सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ आउट नहीं किया। अगर आपके पास ऐसी कोई पोस्ट है तो मुझे बताइएगा प्लीज, बता देना। जब से कोरोना का इशू चल रहा है, डीजी सर हर रोज एक वीडियो निकालते हैं जिसमें वो बहुत सारी सजेशंस देते हैं। जैसे आज की सजेशंस जो मैं देख रही थी मेनली, वो था कि आपको घर पे बैठे बैठे कैसे आपको हेल्दी रहने की ज़रूरत है, आपको योगा को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके कहीं और चलने को नहीं है तो घर पे जो सीढ़ियाँ हैं उस पे आप अप डाउन करिए, जो सीनियर सिटीजन आपके घर पे उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और सबका ध्यान रखिए। इट वॉज मेनली ऑन दैट।
हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको पता ही है कर्फ्यू लगा हुआ है तो पुलिस वालों को हर एक को रोक के पूछता तो पड़ता ही है, है ना। और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इस नंबर पे बात करिए आप, मेरे पास परमिशन है और व्हाटएवर। इन पंचायतों में तीन दिन तक, अगले तीन दिनों तक पंचायत से कोई बाहर नहीं आएगा और पंचायत में कोई एंटर नहीं कर पाएगा, यही अपने घर से भी नहीं निकलेगा। ये तीन दिन का नहीं है, मैं आपको तीन दिन जो है इनफॉर्मली बता रहा हूँ, हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो टिल फर्दर ऑर्डर्स हैं, हो सकता है इसे आगे भी जा सकता है। हम बेसिकली इस पूरे रीजन में सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आदमी में कोई ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है जिससे कि बाकी अगर वो आदमी बाहर आए तो वो किसी और को इन्फेक्ट कर सके। तो सर जो जिला में इन पंचायतों के अलावा जो आपने एक रिलैक्सेशन टाइम रखा हुआ है जी, वो तो एज इट इज रहेगा सिर्फ उन पंचायतों को? बिल्कुल जी बिल्कुल, उन पंचायतों को कोई रिलैक्सेशन नहीं है? इन पंचायतों में रिलैक्सेशन नहीं है, ये थोड़ा सा एक एमरजेंसी वो है क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह फैल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे चंबा को सबसे बड़ा थ्रेट आ गया कांगड़ा के किसी व्यक्ति के पॉजिटिव आने की वजह से। ऐसा जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ही कोरोना वायरस का सबसे बड़ा साथी है। और उसकी मूवमेंट को कितने के दिन हो गए यहाँ से? 20 तारीख। 20 तारीख अभी तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उससे बाहर हैं थैंकफुली। और देखिए ये सर, मैं सभी से, आप में से कई हमारे विशेषजनों से बात हो रही थी फ़ोन पर भी कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद स्थिति क्या होती है, हमारे लिए सोचना भी असंभव है। अब हमारे पास ये है कि हम ये कह सकते हैं कि 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए और सारी जो स्थिति है अब नियंत्रण में आने की गुंजाइश है। अब बस ये है कि फर्दर स्प्रेड ना हो और हम एक्टिवली केस फाइंड कर सकें कि किसी के अंदर लक्षण तो नहीं है। अब देखिए इतना मिस्टीरियस वायरस है कि अब लक्षण भी नहीं आ रहे और लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अब ये सर लोगों के उल्टा सुझाव ये आ रहे हैं कि जो 2 बजे तक का आपने रिलैक्सेशन वाला टाइम दिया है उसको 1 घंटा कम किया जाए, 1 बजे तक किया जाए। इसका वैसे मैं आपको बताऊं, अब जो क्योंकि अब लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने की तरफ जा रहा है तो टॉप लेवल पे जो है एक हफ्ता रह गया, अब इसकी जो एग्जिट स्ट्रेटजी है वो टॉप लेवल पे बन रही है, तो लोगों से बड़ी व्यापक फीडबैक ली जा रही है और हम भी ये कन्वे कर चुके हैं कि लोग जो हैं वो रिलैक्सेशन जो है अगर इतनी चली रहे और सारी एसेंशियल सप्लाईज बनी रहे तो लोग अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है कि वो, क्योंकि सबसे पहले लोगों को अपनी और अपने प्रियजनों की जान जो है सबसे प्यारी है। सारे सब्जी वालों को कहा हुआ है कि रेट लगाइए और जो नहीं लगा रहे हैं उनका हमने चलान दिए। लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास में हम कंपेयर करेंगे उस रेट लिस्ट के साथ कि डी साहब ने ये ऑर्डर किया हुआ है वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा है रेट लिस्ट में। ये आपका सजेशन ठीक है, कहीं नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे डाला तो पर इतने लोग हमारे रेट लिस्ट में नहीं सर, आप फेसबुक में डाल देना या लोग डाल लेते हैं वहाँ से। नहीं हम डालते रहते, और डाल देते हैं, रेट नहीं डालते हैं, रेट डाल देना ये रोज अपडेट तो आप करते हैं सर। डाल देंगे सर, लोगों के फायदे के लिए बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ। कई बार कड़वी बातें हम बोल देते हैं पर वो कोई इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने शुरू में ही कहा था, बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमने टारगेट रख लिया था। टारगेट ये था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है लापरवाही से जो है कोविड पॉजिटिव ना हो, और अगर कोई बाहर से कोई आ गया है तो वो बाकियों को संक्रमित ना करे, ये हमारा टारगेट। अब लगे हैं उस पर, अभी तक भगवान की दया से चंबा में कुछ नहीं हुआ, जो बाहर से एक एक्सट्रेनियस वो फैक्टर्स जो हैं उनसे थोड़ा बहुत हमें एक स्थिति बनी है, पर मुझे लग रहा है ये भी जो है काबू हो जाएगा। और जितने हमने फीडबैक ली काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने, मुझे तो सारे चंबा की मैंने लाइट्स देखी, सारी लाइट्स ऑफ दिखी सारी, और हमने जो हमारी बालकनी है वहाँ से सभी को बड़ी सी वो टॉर्च जिसका लंबा बीम है हमने सबको बताया कि हम भी यहाँ पे लाइट्स ऑफ, तो उसका जवाब में लोगों ने वहाँ से अपने टॉर्चेस से हमें फ्लैश करके बताया, जिससे मैं समझ गया कि लोग काफ़ी वो हैं। कुछ लोगों ने आतिशबाजी वगैरह भी की, आतिशबाजी कर दी, पर वो चलो अब क्या बोल सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने तो मोमबत्ती और प्रकाश करने को कहा। स्पिरिचुअल कुछ देखा होगा? स्पिरिचुअल यही है हमारी जो अपनी एक हमारी जो अपनी ट्रेडिशनल विजडम है वो ये कहता है कि जिसको साइंस वाले अभी तक नहीं, उसका क्योंकि वो नहीं है ना, उसका तो लॉजिकल उसकी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसकी एविडेंस नहीं है, पर हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर बोलते हैं कि जो हम ब्रह्मांड को भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है। बिल्कुल है, तो जब सारे सामूहिक होके लोग, वो तो प्रूव्ड है क्योंकि फोन की आवाज़ कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल्ड नहीं, अगर इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं लगी हुई आईडी नहीं, तो जो यहाँ से हम भेजेंगे अगर लाइट भेज रहे हैं तो लाइट हमारे पास आएगी, प्रकाश आएगा। बिल्कुल। और दूसरा एक बात ये है कि ये कल मैंने इसकी थोड़ी स्टडी की, जो ये सारा जो इसका ओरिजिन जो बता रहे हैं, जो वेट मार्केट से बता रहे हैं, उसमें सारा इलीगल वाइल्ड लाइफ जो कंज्यूम हो रही है उस चीज़ से ये सारा जो ये फैला है। तो हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है
भारतीय संस्कृति है उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम तो इस तरह की चीज़ें सोचते भी नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं इससे बचे रहेंगे। ऐसा जिनमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी मिल रही है जो घरों में दाएँ बाएँ से छुप के आए थे, उनको घरों से उठा के जो है हम बफर क्वारंटीन फैसिलिटी में ले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, अगर इस तरह के लोग होंगे तो हमने कई FIRs भी करी है, FIRs भी करी है। अब तो ऐसा है ना कि अगर कोई हाथ में ले रहा है कानून तो अब हमारा थोड़ा अगला हफ्ता जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, अगर इसमें हम बच जाते हैं तब हमारी काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं वो तो लेवल हो जाएंगी।